इस साल मारुति ब्रेजा नाम से आने वाली मारुति विटारा ब्रेजा का सेकंड जनरेशन मॉडल बड़े लॉन्च के तौर पे सामने आने वाला है। कुछ रिपोर्ट की माने तो यह कार आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च कर दी जाएगी। जनरेशन अपडेट मिलने के साथ इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के डिजाइन, फीचर और इंजन मैकेनिज्म में बदलाव किए जाएंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में हमने मारुति ब्रेजा को डिटेल से कवर किया है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, नई ब्रेजा का ओवरऑल प्रोफाइल मौजूदा मॉडल विटारा ब्रेजा जैसा ही रहने वाला है, मगर इस बार नए मॉडल में नई ग्रिल मोटी क्रोम स्ट्रिप के जरिए कनेक्ट होने वाले एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप्स के साथ शार्प डुअल बीम हेडलैम्प क्लस्टर नजर आएंगी। वहीं चौड़े सेंट्रल एयर इंटेक के साथ नई फोक लैंप्स असेंबली इसके लुक्स को ज्यादा अच्छा शो करेगी। इसके अलावा इस नई कार में अपडेटेड फ्रंट बम्पर, नए फ्रंट फेंडर्स और नए डिजाइन का बोनट भी मौजूद होगा। इसके साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, ब्लैक व्हील और आर्क क्लैडिंग और ब्लैक पिलर्स नजर आएंगे। इसके बैक पोर्शन में रैप अराउंड टेललाइट्स, फॉक्स किड प्लेट्स के साथ नया बम्पर और नए डिजाइन के टेललाइट्स नजर आएंगी। वहीं मारुति ब्रेजा 2022 मॉडल अपने मुकाबले में मौजूद हुंडई वेन्यू, किया सोनेट जितनी फीचर पैकेट कार साबित होगी। कुछ रिपोर्ट की माने तो ये मारुति की फैक्ट्री फिटेड सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर से लैस होने वाली पहली कार साबित होगी। इसमें मौजूदा मॉडल में दिए जा रहे 7.0 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की जगह फ्री स्केटिंग यूनिट दी जाएगी। इसके अलावा इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पेडल शिफ्टर जैसे फीचर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा फाइंड योर कार, रियल टाइम ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, इंट्रूज डिटेक्शन जैसे फीचर मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मारुति ब्रेजा 2022 को एक नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जिससे ये मौजूदा कार विटारा ब्रेजा से ज्यादा सेफ होने वाली है। कंपनी इसमें कई सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दे रही है। वहीं इंजन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम से लैस होगा। नई ब्रेजा में पहले वाला 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के भी पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो इस बार 48 वोल्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेश किया जाएगा। ये इंजन 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जाएगा। 2022 मारुति ब्रेजा CNG रिपोर्ट्स की माने तो मारुति ब्रेजा के पेट्रोल मॉडल के साथ साथ इसका CNG मॉडल भी मार्केट में उतारा जाएगा। इसमें 1.5 लीटर के 15 पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। इसके साथ ही फैक्ट्री फिटेड CNG किट भी दी जाएगी। हालांकि ये रेगुलर मॉडल के मुकाबले कम पावर और टॉर्क जनरेट करेगा, मगर इसका माइलेज रिटर्न काफी अच्छा होने वाला है। तो गाइज, ये थी आने वाली मारुति ब्रेजा। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।